नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो सके। मित्रों, आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ जो पहली सूचना आपके जिम्मे है, 35 लाख को टैबलेट स्मार्टफोन वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत होगा वितरण। बीड अभिलेख को कैबिनेट ने दी मंजूरी। अब इस मंजूरी के बाद आप देख सकते हैं कि जो टैबलेट्स हैं और स्मार्टफोन है ये तो अवेलेबल कराया ही जाएगा अभ्यर्थियों को, किंतु जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है जॉब। जॉब के बारे में प्रदेश सरकार कुछ भी संज्ञान नहीं ले रही। देखिए, आज के समाज पत्रों में जैसा कि दिया है, सरकारी विभागों में 9 लाख क्या 10 लाख के इर्द गिर्द, यानी कि 9,700 कुछ पद खाली हैं और इन खाली पदों पर काम नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 1 मार्च 2021 तक 9 लाख से अधिक पद खाली हैं। केंद्रीय कर्मी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि सबसे ज़्यादा पद केंद्रीय विभागों में खाली हैं, किंतु उस पर भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही। वहीं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा को भी आप देख लीजिए, ऐसी लटकी है कि उसमें भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। देखिए, दिया है, प्रदेश में पहली बार एडेड जूनियर विद्यालयों की भर्ती मुकदमे के जाल में उलझ गई है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर न्यायालय ने रोक लगा दी है। जब तक मामला न्यायालय से निस्तारित नहीं होगा, भर्ती प्रक्रिया अधर में लटकी रह जाएगी। परीक्षाओं की दशा ये है कि आप देख लीजिए, प्रतियोगी छात्र ने फांसी लगाकर दी जान। मदारीपुर करेली के रहने वाले हनुमान प्रसाद यादव ने 26 वर्ष का जो कि था, मंगलवार को रात फांसी लगा ली। अब इसके पीछे कारण क्या है? बेरोजगारी की जो व्यवस्था इस समय दिखाई दे रही है, उसी में फंसा अभ्यर्थी इस तरह की घटनाएं कर बैठ रहा है, जिस पर कि ध्यान प्रदेश सरकार का नहीं जा रहा है। कार्यालय मुख्य चुनाव अधिकारी उत्तर प्रदेश, ये देखिए, निर्वाचन आयोग जो है सबसे सक्रिय है प्रदेश सरकार में। वो सारी चीज़ें समय से जारी करता है, किंतु जो वैकेंसी है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है सरकार का। बार बार मैं ये बात अपनी वीडियो में कहता रहता हूँ। यूपी बोर्ड के कई राजकीय स्कूलों में शिक्षकों के पद हैं रिक्त। शिक्षकों का समायोजन आदेश कर भूले अफसर। समायोजन का आदेश तो हो गया, लेकिन उस पर कार्रवाई कब होगी ये नहीं पता। तो यह दशा है हमारे प्रदेश के व्यवस्था की, जिसकी वजह से तमाम समस्याएँ होती हैं और इस तरह के जो छात्र हैं वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। इलाहाबाद में कैंपस का जो ऑफिस है उसके खोलने को लेकर के भी अभी तक उठापटक चल रही है। उच्च शिक्षा निदेशालय लखनऊ ले जाने के प्रस्ताव का यहाँ विरोध हो रहा है, किंतु फिर भी अभी तक उस पर स्पष्ट निर्णय नहीं आ रहा है। और यही लग रहा है कि जो है ये लोग कहीं ना कहीं लखनऊ ले जाने की तैयारी में ही है। इसी तरह अब देखेंगे, प्राथमिक के भी अभ्यर्थी अपना धरना वगैरह दे रहे हैं और उनको कहने के बाद कि हाँ 17,000 वैकेंसी आएगी, अभी तक उसका कुछ ज़्यादा पता नहीं है। वहीं 6800 की सूची रद्द हुई है, हालांकि कोर्ट से रद्द हुई है, लेकिन प्रदेश सरकार या विपक्ष भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। तो इनसे ही ग्रसित हैं ये अभ्यर्थी जो कि सुसाइड करते हैं। मित्रों, हम अपनी आवाज़ इसी तरह से उठाते रहेंगे। चैनल पर विजिट करने के लिए